सरोवर है ध्वस्त और अधिकारी है मस्त तथा उपभोक्ता है परेशान, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें, मामला है वाराणसी जनपद के पांडेपुर का, जहां नगरीय विद्युत वितरण खंड सिस्टम में महीनों से सर्वर खराब चल रहा है और उपभोक्ता बिजली की बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ता काफी परेशान है। आपको बता दें, 10 दिनों पहले SDO ने यह बयान दिया था कि 2-4 दिन में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है और अधिकारियों को इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वाराणसी से PPC रिपोर्टर कृष्णा सिंह के साथ आकाश यादव की ये रिपोर्ट। प्रॉब्लम है सर्वर की, 1.5-2 महीने से प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि पब्लिक परेशान है। मैं 3 दिन से आ रहा हूं, 1 घंटे खड़े होके पी चला जा रहा हूँ अपना काम धंधा छोड़ के। यहाँ सभी लोग लगभग जो है जितने लोग हैं अपना काम छोड़ के आए हैं। अधिकारी की प्रॉब्लम है कि वो कंप्लेंट किसको दिए हैं, किस कंपनी को दिए हैं कि यहाँ का सर्वर बार बार प्रॉब्लम आती है। यहाँ के अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम ना आए। वो 2 महीने से ऐसे ही चलते आ रहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ परेशान हैं। आप लोग डेली आते हैं, चले आते हैं, बिजली की जमा नहीं? 3 दिन से तो लगातार ही आ रहे हैं हम लोग। सरकार अभियान भी चला रही है जो हर क्षेत्र में जा रही है, और जिनका बिजली का बिल नहीं जमा उनका बिल काट रही है, क्या कहना है चाहते हैं? वो तो देखिए, हम लोग तो ये होता है कि मंथली मंथ मंथ जो है पे कर दिया जाए। अब उसमें होता क्या है कि अगर हम लोग जमा नहीं करेंगे तो जो चार्ज होता है वो सबसे लेगी, वो सरकार तो छोड़ देगी नहीं। तो इसमें पब्लिक जो है बार बार डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जो है पहल तो यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं या जो भी अधिकारी हैं उनको तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता ना परेशान हो इसकी वजह से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अधिकारी कह सकते हैं पूरी तरह से लापरवाह बैठे, एक तरह से तो मानी जा सकती है, क्योंकि दो ढाई महीने से प्रॉब्लम हमारी हो रही है। तो रीज़न तो हम लोग इसी पर क्लेम करेंगे, अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा भी आप लगातार दौड़ने के, कोई ऐसे भी आदमी हैं जो इनकी खास हो, इनका पहले भी उनका बिल पहले जमा कर लिया था लेकिन आपको नहीं? ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं और शायद कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ अंदर से क्या होता है बाहर से क्या होता है, हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि हम जमा करें और चले जाएँ, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि अंदर से क्या कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही अधिकारी होती है। लापरवाही का मतलब ये सामने दिख रहा है, ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। लापरवाही इस वजह से है कि अगर 2-2.5 महीने से ये प्रॉब्लम है तो इन्हें ये केयर करना चाहिए कि आखिरी वजह क्यों है। एप्लीकेशन नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चलता है और कभी कभी रुक जाता है। दिन में 3-4 बार हम लोग लगातार कंप्लेन करते हैं, कभी एयरटेल से करते हैं, कभी डेटा सेंटर से करते हैं, तो टाइमिंग के लिए वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है, लेकिन फिर वो 15-20 मिनट बाद फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है। और ये प्रॉब्लम पिछले 20-22 दिन से लगातार आती चली जा रही है। इवन दो हम लोग के ऑफिस के भी कंप्यूटर्स कई कई बार होते हैं, हम एप्लीकेशन का कोई काम नहीं कर पाते। तो इससे सरकार की बड़ी हानि हो रही है, हालांकि बिल जमा करने में लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात? हाँ, उन्होंने अपने पूरे उच्च अधिकारियों से बात किया है और हमारे उच्च अधिकारी भी उस काम में लगे हुए हैं, पर अपना कुछ रीजन्स होंगे जिनके कारण वो नहीं हो पा रहा है, वो तकनीकी प्रॉब्लम होगी इसके कारण वो शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। लेकिन नो डाउट इससे जो हमारा राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, एक पब्लिक में जो हमारे प्रति एक आक्रोश, क्योंकि सामने तो हम ही बैठे हुए हैं और सबसे पहले जो हमारा बिल लेने वाला जो काउंटर पर बैठा हुआ है उसके प्रति आक्रोश लगातार बना रहता है। कल्पना करिए, एक आदमी बिल जमा करने आया, 3 घंटा लगा रहे और शाम को हम उससे कहें कि भाई तुम्हारा बिल नहीं जमा हो पाएगा, तुम जाओ कल आना, और कल की भी कोई गारंटी नहीं है बिल जमा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो परिस्थितियाँ विकट हैं, हम लोग लगे हुए हैं लेकिन अब चल रहा है। सर पिछले 10 दिन पहले भी आपसे बैठ ओवर लिया गया था, तो करीब आपने बोला था 25 दिन से खराबियाँ आ रहे हैं, आज के समय में देखा जाए तो लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया और समस्या उसमें बोले थे 2-3 दिन में ठीक संभावना है ठीक, धीरे धीरे उसको भी 10 दिन बीत गया। तो आप तो सही कह रहे हैं कि अभी इसमें कुछ इन्होंने सुधार किया है, किस तरह का सुधार है पता नहीं, जिसके कारण हमारा छुट्टी के दिनों में जैसे रविवार के दिन हमारा सिस्टम बहुत तेज चल रहा था, जो अभी 3 दिन की और छुट्टी थी उस समय सिस्टम बहुत तेज चल रहा था, लेकिन अभी फिर आज की डेट में सुबह तो सिस्टम चल रहा था, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है और सिस्टम कोलैप्स होता जाता है। तो क्या रविवार को सुविधा दी जा रही है कि जो लोग बिजली का बिल जमा? हाँ, तो रविवार को तो काउंटर खुला रहता है, रविवार को छुट्टी के दिन काउंटर खुला रहता है, काउंटर बंद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लंबी लाइन लगती है। क्या कह सकते सर, कितने दिन में समस्या दूर हो सकती है? नहीं, ये मेरे स्तर पर बता सकना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन में समस्या सुधर पाएगी, मतलब अभी संभावना व्यक्त नहीं किया है, कब तक ये ठीक? नहीं, ये मेरे स्तर पर कुछ नहीं कहा जाता, जो भी होगा तो ये फिर लखनऊ से हो सकता है, बाकी उसके स्तर से कुछ नहीं कहा।
ठीक।